हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोके चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के सीएचएसएल के बारे में, क्योंकि दोस्तों उसका रिजल्ट जो है जारी हो चुका है टायर वन का। तो कितनी गई कट ऑफ, कैसे चेक करना है अपने मार्क्स, इन सारी टॉपिक पर आपको जो है इस वीडियो के अंदर चर्चा होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्मार्ट नोके चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है या कोई भी नई कट ऑफ आती है तो उसके जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पे दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले डेट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा 5 मार्च को जो है इसका फॉर्म निकला था और अप्रैल तक इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम डेट देख लीजिए क्या से क्या था। पेपर उनका जो था 1 से लेकर 26 जुलाई तक आपका जो है इसका एग्ज़ाम चला। और दोस्तों, इसके आंसर की आई थी आपको 23 से 27 जुलाई तक आप देख सकते थे। और रिजल्ट दोस्तों 12 तारीख को इसका घोषित हो चुका है, यानी कि कल ही। और दोस्तों, पेपर टू जो आपका होने वाला है वो 29 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टायर टू का। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही ऑलरेडी, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। अब हम बताने वाले हैं आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए 3 लिस्ट जारी की गई, डाउनलोड द रिज़ल्ट देख लीजिए यहाँ पे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो जैसे आप कोई भी लिस्ट जैसे चेक करना चाहते हैं, चलिए मैं लिस्ट 3 स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमने ऑलरेडी जो है लिस्ट डाउनलोड करके रखी हुई है, बस इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं हम। आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, जी हाँ, टोटल जो है 905 पेज हैं इसमें लिस्ट 3 में। और इस समय हम पेज नंबर 1 पे, आप यहाँ से देख सकते हैं पेज नंबर 1। जी हाँ, और हम इसको और थोड़ा देखिए, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2018 लिस्ट 3, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टायर 1 फॉर अपेयरिंग इन टायर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ LDC JSA PASA इन रोल नंबर ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो है मेरिट ऑर्डर नहीं, ये रोल नंबर ऑर्डर से है। अब आपको जो है कैसे चेक करना, देखिए 905 यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं 6वां 7वां पेज। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, अगर आपका जो नाम है वो आपको सर्च बॉक्स में डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे स्टूडेंट्स का। तो उनका नाम हम यहाँ पर टाइप करते हैं, इसी प्रकार आपको अपना नाम चेक करना होगा, जो भी नाम आपने दिया था, या फिर आप जो है अपना रोल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देख लीजिए, हमारे एक स्टूडेंट का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार देख लीजिए, इनका नाम है SC कैटेगरी। तो इस प्रकार दोस्तों, आप जो है अपना अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपको कट ऑफ कितनी गई। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग ने मैसेज किया कि सर कट ऑफ कितनी गई इसकी। तो आज हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, डाउनलोड कट ऑफ में जाके हमको बस यहाँ से डाउनलोड करना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है रिज़ल्ट राइट टायर 1 का जो है कट ऑफ का ये PDF फाइल खोल दिया हमने। आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट दिया भी हुआ है, CHSL एग्जामिनेशन 2018 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टायर 1 फॉर अपेयरिंग टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए लिस्ट 1 में जो है फॉर द पोस्ट ऑफ DEO। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए कट ऑफ जो तो मार्क्स है वो 181.47 है। जनरल के लिए SC ST के लिए कोई पोस्ट नहीं था, OBC के लिए 178 और बाकी सब ब्लैंक है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कैंडिडेट कितने अवेलेबल है आप देख सकते हैं, 96, SC में 14, ST के लिए 4, OBC के लिए 53, EWS वालों के लिए 8 पोस्ट। अब हम बात करते हैं लिस्ट 2 में। जी हाँ, लिस्ट 2 की देख लीजिए यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ DEO एंड CNAG। तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, ऊपर जो लिस्ट है ये 165 गई है कट ऑफ अनरिजर्व की, SC की 145, ST की 136.74, OBC वालों के लिए 161.72, EWS वालों के लिए 163, एक्स सर्विसमैन के लिए 117, OH वालों के लिए 129, HH के लिए 98 और बाकी सब यहां पे ब्लैंक है दोस्तों, यानी कोई नहीं। अब कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं देख लीजिए, यहां पे देख सकते हैं आप, अनरिजर्व में 445, SC में 371, 207, ST में, OBC में 672, 276, EWS में, एक्स सर्विसमैन में 252, OH में 52, HH में 51 और VH में जो है वर्चुअल हैंडीकैप जिसे हम कहते हैं उसमें 4। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं लिस्ट 3 फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एंड JSA या फिर PASA। तो आप इसमें कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, अनरिजर्व की गई है 135, SC वालों के लिए गई 110, ST के लिए 99.09, OBC के लिए गई है 133.74, EWS वालों के लिए गई 127, एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए 56.1, OH के लिए देख लीजिए 102, HH के लिए देखिए 58.43, VH के लिए देखिए 84.87,
और अदर पीडब्ल्यूडी वालों के लिए गई है 50। तो दोस्तों ये है टोटल जो है ऑफिशियली कट ऑफ है। जी हाँ दोस्तों, अगर कैंडिडेट की बात करें कितने कैंडिडेट किस किस कैटेगरी में हैं जो पाए गए हैं, देखिए कैंडिडेट्स अवेलेबल, तो 8,332 पोस्ट अनरिजर्व के लिए हैं, 7,936 पोस्ट एससी में पाए गए, एसटी के लिए 4,191, 10,831 है ओबीसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी सबसे ज़्यादा सीट है, देख लीजिए यहाँ पे संख्या। ईडब्ल्यूएस में 6,675 स्टूडेंट, एक्स सर्विसमैन के लिए 5,063, 606 स्टूडेंट्स है ओएच के लिए, एचएच के लिए देखिए 614 है, 605 वर्चुअल के लिए है, अदर पीडब्ल्यूएस के लिए 248। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,101 जो है थर्ड लिस्ट में पाए गए हैं, 2,330 जो है सेकंड लिस्ट में, और फर्स्ट लिस्ट में 175। तो दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियली कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, दिस रिजल्ट अवेलेबल ऑन वेबसाइट, देख लीजिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी जो है अपना चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप की, जो है आपका मार्क्स चेक करने का। तो आपको मार्क्स कैसे चेक करना है देख लीजिए, आपको मार्क्स चेक करने के लिए क्या करना होगा, बस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, देख लीजिए ये तो आपको पता ही है ssc.nic.in। जी हाँ, यहाँ पर आपका रूल जो है यूज़र आईडी, जी हाँ दोस्तों आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे आपको एंटर टेक्स्ट करना है, उसके बाद दोस्तों बस क्लिक करना है लॉगिन पे, और उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है लॉगिन पेज खुल जाएगा, यानी कि आपका होम पेज, वहाँ पे आपको जो है क्या है रिजल्ट और मार्क्स पे कॉलम पे क्लिक करना होगा। जी हाँ, जब आप रिजल्ट और कॉलम पे क्लिक कर लेंगे तो वहाँ से जाके आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा एक PDF फाइल बन के तैयार है, और वहाँ पे सेक्शन वाइज बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला, रीजनिंग में कितना मिला, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना मार्क्स मिला, रॉ मार्क्स कितने हैं, और आपका जो है कट ऑफ कितना गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर याद होगा आपका, अगर नहीं तो आप मेल आईडी से भी अपना चेक कर सकते हैं वहाँ से, और इस प्रकार लॉगिन करके आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ आपको समझ में और सीखने को मिला होगा, और दोस्तों हम जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं ताकि सेकेंड टायर के लिए आपको हेल्पफुल हो कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और साथ ही दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाले हैं कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है टायर 2 की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।